कि मेरी समझ में ऐसा जघन्य अपराध, थोड़ी आइडेंटिटी, ऐसा जघन्य अपराध जो धरियावद में हुआ है देश की धरती पर कहीं भी नहीं हुआ होगा। और राजस्थान के मुख्यमंत्री आ जाए और 10 लाख रुपए दे के घड़ियाली आंसू फेंक जाए, इसको हम बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। जिस बेरहमी से उसको नग्न किया गया, मारा पीटा गया, 1 किलोमीटर तक नग्न अवस्था में जुलूस निकाला गया, मानवता को शर्मसार करने वाली घटना, मणिपुर पर हायतोबा मचा दे प्रतिपक्ष के लोग, कांग्रेस और राहुल गांधी वहां पहुंच जाएं और यहां गहलोत साहब उस पर पर्दा डालें। इसलिए हम कहना चाहेंगे, राहुल की बहन जो प्रियंका जी, वो कहती हैं कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, तो यहाँ के लड़की के आके बदहाली देखो कैसी बदहाली की गई है। तो जो कानून की स्थिति बिगड़ी है इस राज्य में, भीलवाड़ा की घटना आपने देखी है, थानागाजी में गैंगरेप हुआ ही था पति के सामने, अभी करौली में हुआ ही था, ये हो ही गया। तो आखिर में केंद्र का जो कांग्रेस का नेतृत्व, तो वो आंख मूंद के बैठा हुआ है और यहाँ कोई भी दलित हो, आदिवासी हो, महिला हो, कोई भी सुरक्षित नहीं है। भय का वातावरण है, भयमुक्त लोग हों, इसलिए राजस्थान को गहलोत से मुक्त कराया जाए, उनको बर्खास्त किया जाए, हमारी ये मांग है।